हेलो स्टूडेंट्स, श्री सिद्धि विनायक एजुकेशनल ट्रस्ट टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सतपाल, आज आपको एडजेक्टिव कराएंगे और जिनका नाम है पजेसिव एडजेक्टिव। कौन से है? पजेसिव एडजेक्टिव, यानी कि हिंदी में जिनको अधिकार सूचक विशेषण कहा जाता है, वे विशेषण जो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु पर अपना अधिकार रखते हैं। ये विशेषण कौन कौन से होते हैं? ये विशेषण होते हैं माय, आवर, योवर, हिज, हर, इट्स एवं देयर। ये सात प्रोनाउंस ऐसे है जो अधिकार बताते हैं। क्या बताते हैं? अधिकार, अधिकार या संबंध भी बताते हैं। यानी अब इनका प्रयोग कहाँ होता है, लिखते हैं इनके प्रयोग। सबसे पहले इनका प्रयोग जो होता है वो इनका जो प्रयोग है वो इनका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु, किसी व्यक्ति या वस्तु पर अधिकार, किसी व्यक्ति या वस्तु पर अधिकार व्यक्त करने, व्यक्त करने के अर्थ में होता है, व्यक्त करने के अर्थ में किया जाता है। किसी व्यक्ति या किसी वस्तु पर अधिकार व्यक्त करने के लिए कैसे? जैसे आपने लिख दिया माय बुक, तो इस जो पुस्तक है, ये जो पुस्तक है इस पर अधिकार बता रहा है ये वर्ड माई। ये पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक मेरी है, माई बुक। जैसे अन्य अपने लिख सकते हैं, अपने लिख दिया योर बुक। पुस्तक किसकी? वस्तु क्या है? पुस्तक। और किसकी पुस्तक? योर। किसकी पुस्तक है? योर, तुम्हारी पुस्तक। यानी कि ये हमारा, तुम्हारा, इसका, उनका, ये शब्द जो हिंदी में ये अधिकारवाचक विशेषण होते हैं और इनको इंग्लिश में माई, आवर, योर, सीज, हर, इट्स और देयर कहा जाता है। और ये अधिकारवाचक या पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। इनका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु पर अधिकार व्यक्त करने के अर्थ में किया जाता है। अब हम सेकंड नंबर करते हैं। अब इनका प्रयोग किन से पहले होता है? जैसे अभी आपने देखा कि आपने लिखा था माई बुक, तो बुक क्या है? एक नाउन है, संज्ञा शब्द है, यानी कि इसका अर्थ ये हो गया। अभी जो पॉजिटिव जो एडजेक्टिव होते हैं इनका जो प्रयोग है, इनका प्रयोग किसी नाउन से पहले होता है, किसी नाउन से पहले होता है। यानी कि इनका जो प्रयोग है, इनका जो प्रयोग है वो हमेशा किसी नाउन शब्द से पहले होता है, नाउन शब्द से पहले होता है। दो नंबर बात आ गई। अब तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है इसमें भी जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं, ये जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इनका प्रयोग पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के वचन के अनुसार होता है या नाउन के अनुसार ही होता है। नाउन के अनुसार कहने का ये तात्पर्य है
यदि नाउन अपना सिंगुलर है, नाउन अपना सिंगुलर है तो एक वचन प्रनाउन का विशेषण का प्रयोग हुआ। जैसे सिंगुलर अगर अपना नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग होगा, प्लूरल है तो प्लूरल का यूज होगा। जैसे एक एग्जांपल हम अपने देखते हैं इसके लिए, यानी कि सिंगुलर है तो सिंगुलर का यूज होगा, अगर नाउन अपना प्लूरल है तो पॉजिटिव जो एडजेक्टिव होंगे वो भी क्या होंगे, वो भी क्या होंगे, वो भी प्लूरल होंगे। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं इसका। आपने लिख दिया, एक सेम एग्जांपल लेते हैं, सोहन इज ब्रदर लिख देते हैं, सोहन इज ब्लैंक ब्रदर, यहां पर लिख दिया आपने। आवर और इधर लिख लिया माई, दोनों में से एक सेलेक्ट करना है। इधर लिख लिया सोहन एंड मोहन, सोहन एंड मोहन, यानी कि यहां पर जो नाउन है, मोहन भी एक नाउन है, सोहन भी एक नाउन है, यानी कि ये क्या हो गए, ये क्या हो गए, प्लूरल हो गए, क्या हो गए, प्लूरल नाउन हो गए, बहुवचन संज्ञा होगी ना, सोहन एंड मोहन। अब अपने ब्लैंक में लिख लिया, मान लो सोहन एक वजन है, तो इसमें आपको पता है ये आवर, आवर क्या होता है, बहुवचन होता है, क्यों, क्योंकि वी का ऑब्जेक्टिव रूप एस और इसका पॉजिटिव रूप क्या होता है, आवर, आवर प्लूरल है, और माई क्या है, माई क्या है, सिंगुलर, मोहन भी क्या है, सिंगुलर है, इसलिए यहां पर क्या आएगा, माई आएगा। यानी सीधी सी बात, इनको छोड़ो सीधी सी बात, दूसरी तरह ये इस प्रकार समझेंगे कि यहाँ पर जो ब्रदर है, ब्रदर है वो क्या है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर जो प्रोनाउन आएगा वो क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। और यहाँ पर नीचे वाले एग्जांपल में ब्रदर्स, ब्रदर्स क्या अपने आप में एक प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, अगर प्लूरल नाउन है तो यहाँ पर जो अपना एडजेक्टिव जो आएगा वो भी क्या आएगा, वो भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा, वो भी क्या आएगा, प्लूरल, यानी कि सिंगुलर नाउन के साथ में सिंगुलर, सिंगुलर एडजेक्टिव और प्लूरल नाउन के साथ में प्लूरल एडजेक्टिव। तो इस प्रकार ये स्पष्ट होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इनका प्रयोग हमेशा किसी नाउन के अनुसार होता है, यानी कि पॉजिटिव जो एडजेक्टिव होते हैं इनका प्रयोग नाउन के अनुसार होता है, इनका प्रयोग वाक्य में आए हुए, वाक्य में आए हुए नाउन के अनुसार, नाउन के अनुसार प्रयोग जो होता है वो नाउन के अनुसार होता है। अब नेक्स्ट अपने करेंगे, एक टेबल बनाएंगे कि कौन से सर्वनाम का
कौन सा पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, इनकी जो जो प्रोनाउंस होते हैं वो पर्सनल जो प्रोनाउन होते हैं वो संख्या में कितने होते हैं, सात होते हैं, और इनका सातों का अलग अलग पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं, जैसे ये मिक्स है इनमें अलग अलग करेंगे अपने, इनको अपने एक टेबल के द्वारा समझ सकेंगे। अपने टेबल बनाते हैं अब एक, टेबल बनाते हैं। टेबल किसकी बनाएंगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव की, पॉजिटिव एडजेक्टिव। टेबल में सबसे पहले अपने यहां पर लिखते हैं प्रोनाउन का नाम लिखेंगे, और दूसरा खाना अपने बनाते हैं प्रोनाउन। आपको पता है दो प्रकार से, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव रूप। ऑब्जेक्टिव इसके बाद में इसमें पॉजिटिव एडजेक्टिव। पहले आपने लिखते हैं, जैसे मान लो आई। आई क्या है, सब्जेक्टिव रूप में एक प्रोनाउन है, इसका ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है, आई का मी। और आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन सा होता है, माई, आई मी माई। सेकंड वी, वी का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है, एस। और वी का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, आवर। वी का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, आवर। इसी प्रकार यू, यू का ऑब्जेक्टिव रूप भी क्या होता है, यू ही होता है। और यू का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, यावर। यू का पॉजिटिव एडजेक्टिव यावर। इसके बाद में सी, सी का ऑब्जेक्टिव रूप हर, और हर का पॉजिटिव रूप क्या होता है, हर ही होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट अपने करते हैं सी, सी का ऑब्जेक्टिव रूप, सी तो कर लिया था, ही करेंगे, ही, ही का ऑब्जेक्टिव रूप हिम, और इसका पॉजिटिव रूप हिज। इट नेक्स्ट, इट, इट का ऑब्जेक्टिव रूप इट ही होता है, इसके बाद में इसका पॉजिटिव रूप होता है इट्स, यानी कि इट, इट, इट्स। और दे जो अपने आप में क्या है, प्लूरल है, ही, इट और सी, ये क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। दे क्या होता है, प्लूरल होता है। दे का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है, देम होता है। और देम का पॉजिटिव रूप एडजेक्टिव देयर। ये तो हो गए प्रोनाउंस। अगर इन प्रोनाउन के स्थान पर कुछ नाम लिखे हुए आ जाए, कोई नाम लिखा हुआ आ जाए, जैसे अपने अभी लिखा था, जैसे आप मैंने लिख दिया कोई नाम, राम लिख दिया, क्या लिख दिया, राम। राम क्या है, एक नाउन है, एक नाउन है, एक संज्ञा है। इस राम को मैं कौन सा प्रोनाउन मानता हूँ, क्योंकि राम एक थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन एक वचन है, थर्ड पर्सन है एक वचन है, संख्या में राम कितने हैं, एक है, इसलिए क्या हुआ, एक वचन हुआ। इसलिए राम एक व्यक्ति भी है, इसलिए मैं इस राम को ही मानूंगा। अगर यहाँ पर कोई महिला का नाम होता तो मैं इसको क्या मानता, तो मैं इसको सी मानता, लेकिन यहाँ पर क्या एक पुरुष, तो इसको मैं कौन सा प्रोनाउन मानूंगा, ही मानूंगा। और ही का जो पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा वो क्या आएगा, हिम आएगा, हिज, ही का हिज। अगर यहाँ पर कोई महिला होती जैसे सीता होती, तो सीता को मैं क्या मानता, कौन सा प्रोनाउन मानता,
सी मानता है, और सी का एडजेक्टिव कौन सा होता है, वो हर होता। अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई वस्तु है, मान लीजिए यहाँ पर कोई क्या है, मान लीजिए यहाँ पर कोई डॉग लिखा हुआ है, वो क्या है, जानवर, छोटा जानवर है। छोटा जानवर के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, अपने इट का यूज करते हैं। छोटे प्रोनाउन के लिए किसका यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। यानी कि छोटे जानवरों के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इट का यूज करते हैं। और इट का पॉजिटिव रूप क्या होता है, इट्स ही होता है। अगर यहां पर सिंगुलर नाउन ना होकर के कोई प्लूरल नाउन आते हैं, बहुवचन संज्ञा आती है, जैसे हमने लिख दिया मान लो राम एंड सीता, राम एंड सीता, ये क्या होगी, प्लूरल हो गई, थर्ड पर्सन प्लूरल हो गए, बहुवचन हो गए। इसलिए जो प्लूरल प्रोनाउन का ही यूज करेंगे, प्लूरल प्रोनाउन कौन सा है इसमें, थर्ड पर्सन में दे है, तो इन दोनों को अपने दे प्रोनाउन मान करके, और इसका इन दोनों के लिए, राम एंड सीता, इन दोनों के लिए अपने इसका यूज करेंगे, वो होगा अपना देयर। यानी राम एंड सीता का जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा वो देयर होगा। तो इस प्रकार से ये स्पष्ट होता है कि आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, आई का माई होता है, वी का एस होता है, यू का योवर, सी का हर, ही का हिज, इट का इट, और दे का देयर। कोई सिंगुलर नाउन का जैसे राम आ गया, तो राम को अपने ही मानेंगे, ही का हिज। अगर कोई महिला है तो शी का हर। अगर कोई वस्तु है जैसे पेन है, बुक है, तो उसका इट सी होता है, और प्लूरल है तो उसका दे मान करके देयर हो जाएगा। अब एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जाम्पल करते, मैंने अपने लिख दिया नेहा ब्लैंक ओबेज ब्लैंक पेरेंट्स, और ऑप्शन है हमारे पास हिज और हर। दोनों पॉजिटिव एडजेक्टिव है, दोनों में से किसका यूज करेंगे। हम ये जानते हैं कि नेहा क्या है, नेहा एक गर्ल है, नेहा क्या है, नेहा एक गर्ल है, और गर्ल के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, सी करते हैं। गर्ल के लिए कौन सा करते हैं, सी करते हैं। और सी का जो पॉजिटिव एडजेक्टिव जो भरना है अपने को, वो क्या होता है, सी का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, वो होता है हर। इसलिए इस ब्लैंक में क्या आएगा, हर आएगा। यानी क्या बनेगा, नेहा ओबेज हर पेरेंट्स। एक एग्जांपल और है, मान लीजिए अपने लिख लिया आई डू नॉट टियर ब्लैंक बुक्स, और ब्रैकेट के अंदर है ऑप्शन के रूप में हिज तो हम ये सब जानते हैं कि आई का जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है वो क्या होता है, माई। तो ब्लैंक में क्या आएगा, माई। तो इस प्रकार आज हमने पॉजिटिव एडजेक्टिव की क्लास पढ़ी। आशा करता हूँ कि आप सब ने इसे अच्छी तरह से समझा होगा, और आगे के जो टॉपिक के लिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।